हेलो दोस्तों, आप लोगों ने तो सुना ही होगा संत पापा जॉन पॉल द्वितीय के बारे में। वे पूर्व बेनेडिक्ट 16वें के पहले संत पिता थे। उन्होंने अपने बचपन में बहुत कुछ सहा। उनके जन्म से पहले ही उनकी दीदी गुजर गई और 9 साल की उम्र में उनकी माँ भी, और कुछ सालों बाद उनके भैया और पापा का भी देहांत हुआ और 21 साल की उम्र में इस दुनिया में उनके परिवार वाले कोई भी बाकी नहीं रहे। लेकिन इस दुखमय अवस्था ने भी उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि उन्होंने जीवन भर सभी लोगों को सभी परेशानियों में आशा के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया। उनके पापा के देहांत के बाद ही उन्हें पुरोहित बनने का एक इच्छा आया और उस समय उन्हें प्रभु की सेवा में एक नया यात्रा शुरू किया। 26 साल की उम्र में वो पुरोहित बने और 38 साल में धर्माध्यक्ष, 44 साल में महाधर्माध्यक्ष और 47 साल में कार्डिनल और 58 साल में वह संत पापा भी बने। उन्होंने इन सालों में बहुत सी जिंदगियों को प्रभावित किया। वे जहाँ कहीं भी जाते थे, हजारों युवक उन्हें मिलने आते थे। लोग उनसे कहते थे, अगर आप प्रभु के बारे में कम बोले तो फिर और भी युवक चर्च में आया करेंगे। लेकिन उन्होंने वो मना कर दिया, क्योंकि वो भीड़ के लिए नहीं प्रभु के लिए काम करते थे और वो एक चीज था जो सभी उनको इतना ज्यादा प्यार करते थे। संत पापा हमें सिखाते हैं, जिंदगी की कोई भी कठिनाइयां हमें प्रभु की सेवा में रोक नहीं सकता, लेकिन प्रभु में आशा रखते हुए हम और उत्साह के साथ प्रभु की सेवा में लगे रहें।